धन्यवाद अध्यक्ष जी। क्या बोल लाखित, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी सीएजी की रिपोर्ट जो दिल्ली सरकार के ऊपर आई है और उस रिपोर्ट में ये कहा है कि दिल्ली सरकार के अधीन जो 18 स्टेट पीएसयू हैं उनमें से 13 पीएसयू में 8,119 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एक तरफ जहां पर उनका रेवेन्यू 4,000 करोड़ रुपया बढ़ा है और जिसमें से 2,2184 करोड़ रुपया भारत सरकार ने उनको दिया है, जहां उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है वहीं पर वो पीएसयू पे खराब नीतियों के कारण में हमें दिल्ली की जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए कि कोई भी सरकार जो अपने वायदे करे वो उनको कितना पूरा करे ये कम से कम जनता के बीच में जाना चाहिए। उन्होंने अपने घोषणाओं में 70 वायदे किए थे, उन्होंने कहा था जन लोकपाल बिल बनेगा, नहीं बना। उन्होंने कहा था स्वराज बिल बनेगा, नहीं बना। उन्होंने कहा था दिल्ली सोलर सिटी बन जाएगी, नहीं बनी। उन्होंने कहा था यमुना की सफाई होगी, नहीं हुई। उन्होंने कहा था 2 लाख टॉयलेट बनेंगे, नहीं बना। उन्होंने कहा था 500 स्कूल बनेंगे, एक स्कूल भी नहीं बना। 20 नए कॉलेज बनेंगे, एक भी नया कॉलेज नहीं बना। महिला सुरक्षा के लिए फोर्स बनाएंगे, नहीं बनी। यहां तक कि अनऑथराइज कॉलोनी को पास करने के लिए कहा था, वो भी भारत सरकार ने पास करी। यहां अगर भारत सरकार की बात करें, हमने अपने घोषणाओं में जहां कहा था कि 370 हटाएंगे, 370 हटाई। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे तो हमारी सरकार के कार्यकाल में राम मंदिर बना। ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पर सरकार की झूठी घोषणाओं के ऊपर में रोक लगनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज बिल्कुल पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं। और 20 साल में झांस पे एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी। 4 दिन पहले उन्होंने एक नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा कर दी और कल उन्होंने नई स्किल यूनिवर्सिटी की घोषणा कर दी। केवल घोषणाओं से दिल्ली नहीं चलती, उनको कुछ करके दिखाना चाहिए।